आगम ज्ञानी माँ प्रभु सब समया इसराइली मन लगे आगम ज्ञानी मन के पटाते रलो। आगम ज्ञानी मन माँ प्रभु चो गोट के सुनते रला और लोग मन के सांग तुरा जिदल दाय अहाब इसराइल राज्य ने राजा रलो उनी समया ने हेलिया आगम ज्ञानी रलो। अहाब खराब माने रहे देवता के मानतु काजे लोग मन के विवश करते रलो। उन्हीं काजे एलिया अहाब के बल लो महाप्रभु उन लोग मन के दंड देतु काजे जाते रहे उन के बल लो जिदल दायले पानी एतु काजे नी बले तबे तक इसराइल राज ने वर्षा नी होए और ना ओस बले गसरे दे। ए गोट अहाब के इतलो रिस दिली की उन एलिया के मारतुक विचार कर लो। यही काजे एलिया के महाप्रभु बल लो कि जंगल ने जाऊन अहाब ले लुकुन रा। एलिया उन जंगल ने नदी लगे गेलो जोन ताने महाप्रभु बोलुन रे रोजे बियाने और सांजे कावामन एलिया काजे रोटी और मांस दरुन एते रोत। उन बेरा अहाब चो सैनिक एलिया चो पीछा करते रोत मांतर नी बेटुक सकते रोत। वर्षा नी ओतर लागुन केंडिक समया पाचे उन नदी सुकुन गेली। यही काजे हेलिया लगे चो देश ने जाते गेलो उन देश ने गोटोक गरीब विधवा बायले रहे जेचो गोटोक बेटा रहे। उन मन लगे कातो सामान लगभग सरासरी उन रहे कसन बल्लो ने उता खाई पसल नी ओ रहे मांतर पैर वाले उन बायले हेलिया चो देख रेख कर ली। यही काजे महाप्रभु ऊंचो और ऊंचो बेटा मनचो जरूरत मन के पूरा कर लो। यही कारण ऊंचो आटा चो बंडवा और ऊंचो तेल डब्बा के भई खाली नी ओली और पूरा भुखमरी छो समया उन मन लगे कातो सामान रहे। एलिया किंडिक बरस उता रलो। 3.5 बरस सो पाछे महाप्रभु एलिया ले बल्लो कि उन पैर ले वर्षा करे दे। उन हेलिया के पैर ले इसराइल चो देश ने जाऊन अहाब के गोटिया तो खाजे बल्लो। यही काजे हेलिया अहाब लगे गेलो जिदल दाय अहाब उनके दखलो तो उनके बल्लो अच्छा तू यास परेशानी उपजाऊ बिता। हेलिया जवाब दिलो परेशानी उपजास करू बिता तो तू यास तुई महाप्रभु के चांडून दिलीस मांतर तुई बाल चो पूजा करुआस हेदाय तू के इसराइल राज चो सब लोग मन के कार्मेल डोंगरी ने दरुन आंतो राय और सब लोग मन कार्मेल डोंगरी लगे गेला और उन मनुक मन बले गेला जोन बाल चो कबर के बोलते रला। ए मन बाल चो आगम ज्ञानी रला उन सबु 450 जन रला। एलिया लोग के बल्लो तुम्हें केबे तक तुम चो मन के पिराउन रोवास यदि योहा महाप्रभु आए तो उन चो आराधना करा और अगर बाल महाप्रभु आए तो उन चो उपास करा। तेबे एलिया बाल चो आगम ज्ञानी मन के बल्लो गोटोक उन मेंढा के मारुन उन चो मांस के जत्रा करुन भेदी ने संगावा मांतर आइग नी जलावा और उन चो बाद मैं बले असनिची करें दे और अलग बेदी ने मांस संगाएं दे और अगर महाप्रभु बेदी ने आइग गसराय दे तेबे तुम्ही जाना से कि उनी सच्चा महाप्रभु आए। तेबे बाल चो आगम ज्ञानी मन गोटोक जत्रा कर तुकाजे तैयार करला मांतर आइग नी लगाला। बाल चो आगम ज्ञानी मन प्रार्थना करला हे बाल देवता हम चो सुन। फिर पूरा दिन उन मन प्रार्थना करला और सिच्यावला एताले की खुद के कडरी संगे काटून बले दिला मांतर बाल जवाब नी दिली और उन आइग नी गसरालो। बाल चो आगम ज्ञानी मन पूरा दिन प्रार्थना करला और आखिरी ने उन मन प्रार्थना कर तोर बंद करला मांतर एलिया दूसर बैला चो मांस के
महाप्रभु चो बेदी ने संगाउन दिलो और उन चो पाछे उन लोग मन के पानी चो बड़े बंडवा ने उन जतरा जगा तो बीती ने रिखाक बल्लो जिदल दायले की मांस और धारू और एताले की बेदी चो लगे जो हुई त्राय भूई बीजून नी गेली तेबे हेलिया प्रार्थना कर लो। हे यहोवा अब्राम इसाक और याकूब चो महाप्रभु हम के दकाव की तू इसराइल चो महाप्रभु आस और ये कि मैं तुचो दास हाँ मुके जवाब देस कि ये जान दे कि तू सत महाप्रभु आस। तेबे तुरते बादरी ले आई गसर ली और उन मांस दारू घोटी माटी और बेदी चो लग लग चो पानी के बले जलान दिली जिदल दाय लोग मन बुई ने गसरून पाय पड़ला और बल्ला यहोवा ची महाप्रभु आय यहोवा ची महाप्रभु आय। तेबे हेलिया बल्लो बाल चो गोटोक बले आगम ज्ञानी बाचून नी जाउक सको यही काजे लोग मन बाल चो आगम ज्ञानी मन के धरला और उन मन के उताले अलग नेउन उन मन के मारला। तेबे एलिया आहाब राजा के बल्लो जट के अपलो घरे फराव कसन बल्ले बरसाओ तो बीती आए जट के बादरी डाके से और गोर बरसा शुरू होली यौवा उन सुखा के खत्म करते रहे एछोले फरकट होली की यौवा छी सत महाप्रभु आए जिदल दाय हेलिया उन चो बूता के सार लो तो महाप्रभु एलिसा नाव चो गोटोक मनुक के उन चो आगम ज्ञानी ओतो काजे चुन लो। महाप्रभु एलिया चो माध्यम ले खूबे चमत्कार कर लो गोटोक चमत्कार नामान संगे ओली और उन शत्रु चो सैनिक चो सरदार रलो मांतर उनके चमड़ी चो गोटोक रोग ओन रली। नामान एलिसा चो बारे ने सुनुन रलो उनी काजे उन एलिसा लगे इलो और उनके चंगा करतो काजे बिनती कर लो। एलिसा नामान ले बल लो यर्दन नदी चो पानी ने सात आर बुड़ून निकर नामान रिस होलो उन असन करतो काजे मना कर लो कसन बल्लो ने ये उनके बोया मन चबूता मा लागते रहे मांतर पाचे उन अपलो मन के बदल लो और जाऊन यर्दन नदी चोपानी ने सात आर बुड़ून निकर लो जिदल दाय उन आखिरी दाय पानी ले बाहर निकर लो तो महाप्रभु उनके चंगा कर लो। महाप्रभु इसराइल चो लोग मन चो लगे उबे आगम ज्ञानी मन के पटालो उन मन मूर्ति मन चो आराधना बंद कर तो काजे बोलला एचो पलटा उन मन के गोटोक दूसर संगे अच्छा ले बर्ताव कर तो राय और गोटोक दूसर चो ऊपरे दया कर तो राय उन आगम ज्ञानी मन लोग मन के चेताला की उन मन के गलत काम मन कर तोर चांडून दे तो राय और एचो बदला ने महाप्रभु चो गोट मन चो पालन कर तो राय। अगर उन लोग मन असनी कर दे तो महाप्रभु उन मन के दोषी मानून उन मन चो न्याय करे दे और उन मन के दंड दे दे। खूब समय तक उन लोग मन महाप्रभु चो गोट के नी मानला हमेशा उन मन आगम ज्ञानी मन संगे गलत व्यवहार करला ये ताले की कभी कभी उन मन के मारून देओत एक आर उन मन यरमया आगम ज्ञानी के सुखा छुआने गसराला और उनके उता मोरतो काजे चांडून दिला उन चुआ चो तले चिकल ने दस लो मांतर राजा के जिदल दाय उन चो ऊपरे दया इली और उन अपलो सैनिक मन के बल लो कि यरमया चो मोरतोर ले फैले उनके चुआ ले बाहरे जीका आगम ज्ञानी मन महाप्रभु चो बाट ले बोलतोर नी चांडला भले लोग मन उन मन के रिस होला अगर उन मन नीच पछता दे तो महाप्रभु उन मन के नाश करून दे दे उन मन लोग मन के ये बले सुरता दिलाला कि महाप्रभु
उन मन लगे मसीह के पठा तो काजे वायदा कर लो से। पहला राजा 16 अध्याय 18 पद और दूसरा राजा 5 यरमाया 38 अध्याय बाइबल चौकोटो कहानी।